हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नेहा स्टाइल टिप्स पे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा डीआईवाई शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डीआईवाई सिंदूर, जो कि हम घर पर ही तैयार करेंगे और बहुत ही इजीली उसको मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। वो इतना लॉन्ग लास्टिंग और इतना अच्छा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जो लिक्विड सिंदूर है, नो डाउट कि वो मार्केट में बहुत ही ईजीली अवेलेबल है, बट हम उसे ले तो आते हैं और उसे लगाते भी हैं कि उस कारण जो हमारे जहाँ पे हम सिंदूर लगाते हैं वहाँ के बाल रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब झड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लेडीज़ के मैंने ये भी प्रॉब्लम सुनी है कि वो कहती है कि हमारे वहाँ के बाल वाइट भी होने लगे हैं, क्योंकि जो मार्केट में सिंदूर मतलब मिलते हैं लिक्विड सिंदूर, उनमें क्या होता है कि केमिकल से वो मतलब केमिकल बेस्ड होते हैं, वो उसमें केमिकल का यूज़ भी किया जाता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा डीआईवाई शेयर करूंगी जिसमें मैं मतलब आपको होममेड चीज़ों से ये बनाना सिखाऊंगी और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। पर दिखाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो लिक्विड सिंदूर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक खाली कंटेनर ले लें, मतलब एक बॉल ले लें, कुछ भी जो भी आपको लेना है। उसके बाद आपको जिस भी कलर का लिक्विड सिंदूर बनाना है, यानी कि आप ऑरेंज कलर का अगर सिंदूर यूज़ करती हैं या पिंक कलर का यूज़ करती हैं या रेड कलर का यूज़ करती हैं, आप उस अकॉर्डिंग अपने कलर का जो सूखा सिंदूर है वो आप ले लें। उसके बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसे बढ़ा घटा सकती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंदूर बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स लिए हैं। ऑयल लेने से क्या होता है, जो हमारे हेयर्स के हम पास लगाएंगे तो वो हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इसे मिक्स करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर हमने रोज़ वाटर ले लिया है। रोज़ वाटर आप अकॉर्डिंग अपने मतलब सिंदूर के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिससे वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरा सिंदूर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी है, क्योंकि हमने इसमें रोज़ वाटर का यूज़ किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशबू भी है इसमें। और उसके बाद देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरीके से लगेगा और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि आपको पूरे दिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ईजीली ये बन भी जाता है। तो आपको ये कैसा लगा? सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए, मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।